बहुत ही यम्मी एंड टेस्टी हेल्दी प्रोटीन सैलड। देखिए देखिए और खाने को दिल करे, बहुत हेल्दी है। आइए इसको बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू किचन विद बिया। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ और ईमान में रखे और हर बीमारी से महफूज रखे, आमीन सुम आमीन। आज हम अपने किचन में बहुत यम्मी और टेस्टी सैलड बनाने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है, दोपहर को आपको भूख लगी हुई है तो आप खाने में ये बना सकते हैं। देखिए, दो प्याज लिए हैं मैंने, आलू वो हैं, चने हैं, चने मैंने बॉईल कर लिए हैं और प्याज हैं। सबसे पहले मैंने प्याज को छीलेंगे, ये देखिए प्याज को कट करते हैं, बारीक बारीक प्याज को चॉप करेंगे और अच्छे से प्याज को चॉप कर लेंगे। बहुत मज़े की बनेगी, आपका दिल करेगा खाने को और आपको शाम तक भूख भी लगेगी इससे। और ये हेल्दी भी है, आप किसी टाइम भी खा सकते हैं। और प्याज को मैंने बारीक बारीक कर लिया। अब हम खीरा लिया है मैंने, इसको खीरे को भी मैं बारीक बारीक काट लूँगी। आपकी मर्ज़ी है, चाहे आप बारीक काट लें चाहे इसको मोटा काट लें। खीरे को कटिंग करने के बाद और ये देखें इस तरह दरमियान से कट करेंगे। दरमियान से कट करने के बाद इसके इस तरह हम पीसीस कर लेंगे, ठीक है। इस तरह पीस करने के बाद प्याज कट गया, खीरा कट गया और खीरा काटने के बाद अब हम टमाटर काटेंगे। ये देखिए मैंने टमाटर लिया है, इसको तमाम चीज़ों को मैंने वेजिटेबल्स को धो लिया था। इस तरह इसके बीज रिमूव कर देंगे और इसको भी इसी शेप में काट लेंगे। चाहे आपकी मर्ज़ी है, जिस तरह मर्ज़ी आप कटिंग कर लें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, इस तरह कटिंग कर लेंगे। और ये देखिए मैंने बारीक बंद गोभी और गाजर को भी बारीक बारीक काट लिया है, इसको भी हम ऐड कर देंगे इसके अंदर। ये तमाम चीज़ें बहुत ही हेल्दी हैं और इनका फ़ायदा है, ज़रूर आपको सबको यूज़ करनी चाहिए ये सब्ज़ियाँ। और ये देखिए मैंने चने लिए हैं, सफ़ेद चने, इसको मैंने पहले से भिगो के इनको मैंने बॉईल कर लिया था। अब मैं एक पैन लूँगी, इसके अंदर थोड़ा सा 1 टीस्पून ऑयल डालूँगी, इसको हल्का सा सोते करूँगी। सोते करने से ये होगा कि हमारा चनों का जायका बहुत अच्छा हो जाएगा। इसके अंदर मैंने नमक डाला है और थोड़ी सी सुरख मिर्च डाली है और इसको मैं हल्का सा फ्राई करूँगी, हल्का सा इनका कलर चेंज हो जाए। 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करूँगी, इससे इनका टेस्ट बहुत बढ़ जाएगा। हल्के से करते रहेंगे, ये देखें अभी ये रेडी हो जाएंगे। और इनको चनों को रेडी करने के बाद हम जो सलाद हमने रेडी की है ये चने भी हम उसमें डाल देंगे। चने के भी बहुत से फ़ायदे हैं, ये देखें बहुत यम्मी और टेस्टी रेडी हो गई है। और ये मैंने 1 टीस्पून मैंने लेमन का जूस लिया है और ये चाट मसाला मैं ऐड कर रही हूँ। और इसके बाद मैं काला नमक ऐड कर रही हूँ और इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे, मिक्स 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 अच्छे से मिक्स करेंगे। ये तमाम चीज़ें देख के ही मुँह में पानी आ रहा है। और अब मैं इसके ऊपर धनिया और पुदीना गार्निश करूँगी। और अगर आपकी मर्ज़ी हो तो इसको हरी मिर्च को आप काट के भी इसमें ऐड कर सकती हैं अगर आपको अच्छी लगे खाने में। ये देखिए बहुत ही मज़े की तैयार हो गई है हमारी प्रोटीन सैलड। आप भी ज़रूर बनाइएगा मेरे तरीके से, आपको बहुत मज़ा आएगा और जायके में भी लाजवाब है और हेल्दी भी है हमारे लिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।